बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। प्रधान साहब स्टेज के उत्ते पहुंच गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सारियां नूं बेनती है कि कृपा करके बैठन की कृपालता करो। ढोल वालियां नूं बेनती है कि कृपा करके साइड तो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जेड़े वीर दी दे विच खड़े है कृपा करके पिछे बैठन की कृपालता करो। सारियां नूं बेनती है कि कृपा करके बैठन की कृपालता करो। सारे जिहड़े वीर डी दे विच बैठ कृपा करके पिछे सामने आ जाओ तां जो प्रेस वालियां नूं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे। बहुत ही सत्कारयोग प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सतबीर सिंह जी बादल साहब, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी जी, स्टेज पर विराजमान श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर साहबान जहेदा तोता सिंह जी, सरदार महेश इंद्र सिंह जी गरेवाल साहब, सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा साहब ते होर जिन्नियां भी सत्कार शख्सियतां स्टेज ते विराजमान है, मैं सारियां नूं स्टेज वल्लों जी आया आखदा। और जिहड़े वीर डी दे विच खड़े आ कृपा करके पिछे कैमरे चल रहे आ दोवां पासे कृपा करके जगह बहुत है बैठन की कृपालता करो। स्टेज के उत्ते भी जिहड़े वीर खड़े आ उन्होंने भी बेनती है कि कृपा करके बैठन की कृपालता करो। सब तो पहला जिहड़ियां शख्सियतां ने अज श्रोमणी अकाली दल दे विच शमूलियत करनी है उन्हां सारियां शख्सियतां की जान पहचान कराउण वास्ते मैं सत्कार सहित बेनती करांगा सरदार बिक्रम सिंह मजीठा साहब नूं कि वह मंच के उत्ते आके ते जिन्नियां भी शख्सियतां अज श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल होण जा रही ने सारियां नूं जीआं भी कहण और सारियां दी जिहड़ी जान पहचान है वह तुहाडे नाल कराउणगे। उन्हां दे बोलण तों पहलां एक जोश दे नाल जकारा लगेगा और जिन्हें तुसीं अगे पिछे सारे बैठे हो दोवें हाथ खड़े करके जकारे का जवाब देना ता जो पता लगे कि अज एक बहुत बड़ा इतिहास जड़ा वह श्रोमणी अकाली दल के इस दफ्तर के सिरजिया जा रहा। बोले सो निहाल मजीठा साहब। बहुत ही सत्कारयोग अज दे इतिहासिक मौके ते अज दे अहम दिन ते एकत्र होए साडे सारी सत्कारयोग नौजवान वीर बुजुर्ग
प्रेस के सज्जन, मेरिया सत्कारयोग मावां भैणां सारे, सब तो पहला स्टेज ते बैठी समुची लीडरशिप, सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सत्कारयोग साडे साबका वजीर साहिबान, और जिन्हां नूं अज असी श्रोमणी अकाली दल में शामिल करन वास्ते इत्थे इकत्र होए आ। मैं कल्ले कल्ले दा नौ नहीं, पहला मैं सब तो पहला फतेह अर्ज करूंगा ते फिर मैं एक एक दी इंट्रोडक्शन भी करावांगा। इसलिए गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सुखबीर जी नूं श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप नूं और खास तौर पर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब नूं इस गल की दिल दियां गहराइयां चों मैं वधाई दे रहा कि गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहब जेड़ा मानवता का केंद्र भी मनिया जाता है और जिथे अठों पैरी 24 घंटे सरबत दे भले की अरदास होंदी है, और अज उस श्री अमृतसर साहब की गुरु की नगरी की पवित्र धरती तो पंजाब च जिन्हां दा लोहे नू मन्या भी जांदा है और जेड़ी बेबाकी नाल लोकां दी आवाज पिछले 30-35 सालां तो जिस दिन दे ओ पॉलिटिक्स च आए सी बड़ी छोटी उम्र च उठाउंदे रहे आ, अज उन्होंने एक बहुत ही वड्डा फैसला, मैं कह सकदा है ये जिंदगी दा शायद उन्हां दा जदों पॉलिटिक्स शुरू होई सी एक पहला फैसला सी, और अज जिंदगी दा जदों इह जे मोड़ ते आ गए, क्योंकि ये परिवार किसानी नाल संबंधित परिवार है, इस परिवार दा पिछोकड़ रूरल है, ये पिंडा च पैदा होके मेहनत करके श्री तरन तारण साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज की उस पवित्र धरती से इस परिवार ने पहला आपका कारोबार भी किया, सेवा भी की, और फिर हौली हौली गुरु की नगरी पहुँच के इन्होंने बहुत वड्डा नाम कमाया। और मैं कह सकदा कि जिन्होंने हिंदू सिख एकता भाईचारक सांझ वास्ते, क्योंकि बार्डर का इलाका है और बार्डर के इलाके से भाईचारक सांझ अमन शांति जे रहूगा तो फिर ही पंजाब तरक्की करूगा, तो जे पंजाब तरक्की करूगा तो फिर देश तरक्की करूगा। तो मैं बधाई देना चाहना कि मेरे साथी कई इत्थे प्रेस वाले वीरां दा इक्को सवाल हुंदा कि थोड़ी भी आपस च माड़ी मोटी खड़कदी रहिंदी सी, गुस्सा ना करो, खड़कदी तां थोड़ी भी आपस च बड़ी है, खड़कदी कीदी नहीं अजकल, मगर असी हुण रल के खड़का करना है, ते जदों रल के खड़का कीता और जदों रल के खड़का कीता ते ठोको ताली नूं भी खड़का के रख देंगे। और मैं तो एको गल कह के अगली गल वल जाऊंगा, कहिंदे आंधियों के जुल्म का तो जोर है लेकिन अब काफला कुछ और है, ये वखरा ही काफला निकलना, और ये काफले च हक सच की गल होनी है, और इसलिए किसी ने बड़े सुंदर लफ्जा च कहा, कहिंदे उसके हक के वास्ते लड़ जाएंगे, उसके हक के वास्ते लड़ जाएंगे जो हमारे शहर में कमजोर है। इसलिए जिन्होंने पिछले 4.5 साल श्री अमृतसर साहब की उस गुरु की नगरी पवित्र नगरी ने एडा वड्डा मान बख्शिया होवे,
मगर जिन्हां लोकां दी कदे सुनवाई नहीं हुई अज उन्हां दी सुनवाई वास्ते अज ये टीम कट्ठी हुई है। मैं सब तो पहला आप दे वीर नूं अनिल जोशी नूं एक बारी जोर जारी जकारा छड़ दिओ जोशी वास्ते। बोले सोनिया, बोल साचे दरबार की, भाईचारक सांझ पंजाब, भाईचारक सांझ पंजाब। अज बहुत खुशी होंदी है कि उस हिम्मती वीर नूं अज मैं श्रोमणी अकाली दल विच जिथे जी आया नूं कहना उत्थे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहूंगा कि साबका कैबिनेट मिनिस्टर दो बारी एमएलए रहे भाजपा च, और मैं गल कहिंदे मैनू फकर हुंदा कि किसानी दे दर्द नूं और किसानी ते पंजाब, क्योंकि एक एग्रीकल्चर इकोनमी है, जे किसानी प्रफुल्लित ते आड़तीए दा कम चलू, जे आड़तीए दा चलू ते दुकानदार दा चलू, ये एग्रीकल्चर इकानमी दुकानदारी शहरी पेंडू लोग ये नौ मास का रिश्ता जिहड़े एक दूजे नाल जुड़े है उस गल नूं समझदिआं जे किसान भरावां ते काले कानून थोपे गए, जे बेइंसाफी होई, लम्मा समा कोशिश कीती कि यह फैसले बदले जान, मगर जिस दिन नहीं बदले गए ठोक के आपकी आवाज बुलंद करके अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल होए हैं। मैं जी आया नूं कहना ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहना कि उन्होंने सरोपा दे के श्रोमणी अकाली दल में शामिल किया जाए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बादल साहब एक गल दी तां वधाई है, जा इन्नी खुशी इहदे विआह वेले मनाई सी ते जा अज मनाई जा रही है। मैनू पता ना इहदा काका भी आया पिछे, किथे आ भाई ओ पारस खलोता, इहनूं तां की पता होना विआह वेले किन्ने नज़ारे सी, इहने तां अज वाली वेखे, इसलिए इहनूं तां विआह नालों वध चा चढ़िया। और दूजा जिन्हां नूं मैं स्वागत करन लग्या बड़े ही सत्कारयोग, और मैं कह सकदा अज मेरे मन की इच्छा दिल की इच्छा पूरी होई है। स्वर्गवासी अमरजीत सिंह जी शाही साहब जिन्हां नूं बहुत वड्डे पद्धर ते दसूए हलके ने मान दिता, मगर रब की रजा कुछ होर सी, और असी दोवें एज मिनिस्टर एंड सीपीएस बहुत प्यार नाल एक दूजे नाल मोढे नाल मोढा मिला के रेवेन्यू के भले वास्ते काम करते सा, मगर क्योंकि लाइक आई सैड डेस्टिनी फेट जो रब की रजा है उहदे अगे सीस ही नवाया जा सकता, उहनूं बदलिया नहीं जा सकता। और उस वेले जब उन्होंने अचनचेत दुखदाई साढ़े को विछोड़ा होया सदीवी, उस तो बाद भैन जी जिन्होंने कदे भी सियासी तौर पर कोई गतिविधि नहीं रखी सी, मगर अपने लोगों प्रति दसूए हल्के दे लोगों प्रति जिम्मेवारी समझद्या आपदे घर दे होम मेकर होने के नाते घर चलाने वाले भैन जी उन्होंने सारे घर के काम छड़ के आपदे हल्के नू अपने हल्के दे लोगों नू पहल कदमी दिंदे होया उन्होंने पॉलिटिक्स से आए और बाई इलेक्शन च शानदार जित हासिल करके वड्डा नाम प्रकाश सिंह जी बादल दी उस वेले दी सरकार च इन्हां दा होया। अज ओ भी जिथे पार्टी च शामिल हो रहे, मैं उन्हां नू भी जी आया नू कहना ते सरदार बादल नू कहना कि उन्हां दा भी सत्कार होवे। बोले सोनिहाल।
भी दो बारी उस हल्के तो एमएलए रह चुके हैं, शाही साहब भी लंबा समा उस हल्के तो सेवा निभा के गए हैं, इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई। वो काका नहीं देख रहा जी, मैनू भैन जी सनी नहीं देख रहा, अमेरिका जी उतों बधाई, चलो धन्यवाद। इन्हां दी बेटी, इन्हां दा बच्चा, ये साडे अपना परिवार है, इसलिए मैं जी आए नूं कहना। और तीजा बंदा जिन्हें हाल की इलैक्शन च बादल साहब भैन जी की इलैक्शन च बहुत बेकमाल रोल अदा किया और बहुत काबले तारीफ ने, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके बठिंडे च और जिन्हों के वड्डे वड्डे अहुदियां च रहिंदे होया, इन्हां नूं भी शो काज नोटिस इशू होया सी। क्यों होया सी? क्योंकि किसानी के हक च गल कीती सी, लोकां दे हक च गल कीती सी, मगर शो काज नोटिस के बाद पता नहीं घबराहट हो गई कि जे भाजपा के दिल नूं कढ़ांगे तो कितने फेल ना हो जाए बाडी का बाका कम। यह आप ही इस्तीफा दे के आ गया कि बाकी चिट्ठी तुसीं नहीं लिखनी, मैं ही लिख देना थोनू। इसलिए वड्डे अहुदियां नूं ठकराउंदिया होया स्टेट के यूथ के प्रधान भी रहे हैं, दो बारी डिस्ट्रिक्ट बठिंडे के प्रधान रहे हैं, तीन बारी मैंबर युवा मोर्चा नैशनल वर्किंग कमेटी रहे हैं और जे एन के दे इंचार्ज भी रहे हैं। मेरे सत्कारयोग वीर मोहित गुप्ता जी नूं मैं श्रोमणी अकाली दल विच जी आया नूं कहना, इन्हां दा धन्यवाद करदा। और मोहित जी अज दबार तो जिथे पार्टी च जी आया नूं उत्थे भैन जी दी जित च थोड़े वड्डे योगदान नूं भी सलाम करदा, थोड़ा धन्यवाद करदा। इसे तरह सत्कारयोग जिहड़े 2017 च लुधियाना वैस्ट हल्के तो भाजपा के कैंडीडेट सन, एक्स जनरल सैकटरी ने वर्किंग कमेटी के मैंबर रहे हैं, अज काले कानूनों के खिलाफ पंजाब की भाईचारक सांझ वास्ते अज वो श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। कमल जेटली जी नूं भी मैं जी आया नूं कहना, इन्हों का भी सत्कार जकारा दा छड़ दिओ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अगला नौ जेड़े तीन बारी काउंसलर भी रहे हैं, बड़ी वड्डी सेवा लुधियाने जिले च इन्हां दी रही है, एक्स डिप्टी मेयर भी ने और वाइस प्रधान सी, अज भाईचारक सांझ नूं पंजाब दे भले नूं मुख रखदिया होया आर डी शर्मा जी नूं भी मैं जी आया नूं कहना और श्रोमणी अकाली दल विच आउण ते इन्हां दा धन्यवाद करदा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अगला नौ जेड़े बड़े सत्कारयोग ने और बड़े ही हिम्मती मेहनती और जिन्हों का फिर बॉर्डर के इलाके से जिन्हों का बहुत वड्डा सत्कार है, पांच बारी वो सुजानपुर तो एक्स प्रधान भी रहे हैं, पांच बारी काउंसलर भी बने हैं, दो बारी प्रधान रह चुके हैं और वर्किंग कमेटी मैंबर सी राजकुमार गुप्ता जी, जिन्हां नूं प्यार नाल असीं बिट्टू प्रधान कह दिंदे आ, उन्हां नूं भी जी आयां नूं कहिंदा, उन्हां दा धन्नवाद करदा। बोले सोनिहाल। अगला नौ मेरे गवांढी दा, इह गवांढी भी है, असीं इक दूजे दी सुख भी मंगदे रहे हैं और इन्हां ने भी लंबा समा जिथे फतेहगढ़ चूड़िया का यह प्रधान रहे हैं, दो बारी प्रधान बने हैं, कई बारी काउंसलर बने हैं, बटाले के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी रहे हैं और वर्किंग कमेटी मैंबर है साढ़े सत्कारयोग
सुरेंद्र सिंधी जी प्रधान जी उन्होंने जी आया नू कहना नाल हो जो जी तुम भी नाल हो तुम छड़ दो बोले इधरों छड़ दो जकारा तुम सत्कार योग हरजीत सिंह जी भुल्लर साहब जेवड़े एक्स नैशनल को कन्वीनर से ह्यूमन राइट से उन्होंने भी जी आया नू कहना हाँ जी और टीवी के प्रवक्ता रहे हैं स्पोक्सपर्सन रहे हैं बड़ी बेबाकी नाल आपकी गल रखते रहे हैं उन्होंने भी जी आया नू कहना इस तरह सत्कार योग साबका काउंसलर जिन्होंने बहुत हिम्मत नाल लुधियाने शहर की सेवा की है मिंटू शर्मा जी उन्होंने भी जी आया नू कहना श्रोमणी अकाली दल में उन्हों का धन्यवाद करता बोले सो निहाल जय श्री राम सत्कार योग एरी साहब आ जाओ अमन एरी जी ए भी माझे का पुत्र है इनू भी साडा काउंसलर भी रहा दो बारी वीर हुण भी हैगा फिर ठीक है माड़ा छड़ता दो कुछ करा चकूरा इधरों बोले सो निहाल गां भी बनूगा गां नहीं भी छड़ दो एक गां भी बनूगा बोले सो निहाल इसे तरह सुमित शास्त्री जी जो वर्किंग कमेटी के मैंबर से एक्स बीजेपी प्रधान युवा मोर्चा जगराओं उन्होंने भी जी आया नू कहना उन्हों का धन्यवाद करता अगला साढ़े सत्कार योग विक्रम लक्की जी बठिंडे दे दो बारी कैशियर रहे हैं एक्स प्रधान रहे हैं युवा मोर्चा दे और दो बारी इंडियन नॉर्दर्न इंडियन कूलर मैनुफैक्चर एसोसीएशन के प्रधान रहे उन्होंने जी आया नू सत्कार योग एक्स सैकटरी जेडे विक्रम एरी जी उन्होंने भी जी आया नू करता उन्होंने धन्यवाद करता और साढ़े काउंसलर साहब रटौल साहब उन्होंने भी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल सत्कार दे के पार्टी में शामिल करन इसलिए अजे लम्मा चौड़ा हले तो ट्रेलर ही विखाया है क्योंकि चंडीगढ़ च तो देखो फिल्म तो पहला ट्रेलर ही विखा सकते हैं कहता भरा तुम सुनते नहीं मेरी गल थोनू अज पिया चाह इना चढ़िया थोनू भी चढ़िया सानू भी चढ़िया दिया गल्ला सुन दिया रटौल का ना लैता प्रभ रटौल का लैता सर सुनने वाले नहीं सुनते हूँ की करिए इन्हों सारू पार्टी च जी आया थोड़ा कोटन कोट धनवाद और अज किसानी संघर्ष को मुख रखद भाईचारक सांझ को मुख रखद पंजाब की भलाई को मुख रखद अज समुची टीम चलो कोई ना जी कोई ना करो बोले सो निहाल श्री अकाल श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद श्रोमणी अकाली दल हिंदू सिख एकता जिंदाबाद श्री अकाल श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बोले सो निहाल सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब सो जेड़ी गल मैं पहला कर रहा सी बादल साहब कि आज तक सिर्फ एक वड्डे पद्धर ते जेड़ी नैश स्टेट लैवल दी जॉइनिंग सी वो अज श्रोमणी अकाली दल दे दफ्तर च कीती गई है इस तो बाद अनिल जोशी जी ने थोड़े तो टाइम भी लिया और श्री अमृतसर साहब गुरु की नगरी उस तो बाद वख वख हलकिया च जाके पंजाब दी भाईचारक सांझ अमन शांति कानून पंजाब वसदा रवे पंजाब हसदा रवे गुरु दी ये
इस पवित्र सूबे की तरक्की वास्ते दिन रात एक करके वड्डे प्रोग्राम कराए जाणगे जिहदे च इहनां दे बाकी साथी साहिबाना नूं पार्टी च जी आयां नूं करांगे धन्नवाद करांगे। इसलिए मैं हुण ज़्यादा कुछ ना कहिंदा होया चीमा साहब नूं बेनती करूंगा कि एक गल दी वधाई है जी, ये जदों तक ये भाऊ वजीर सी ना जिहड़े श्री अमृतसर साहब तो आए गुरु की नगरी तो माड़ा जिहा जकारा छड्ड दिओ करी सर। एक गल है वधाई दी, जिन्ना काम शहरा च थोड़ी टीम ने बादल साहब की सरप्रस्ती हेठ जो काम शहरा च एज मिनिस्टर अनिल जोशी ने और जो सपोर्ट श्री अमृतसर साहब गुरु की नगरी के सत्कार वजो चाहे वह दुर्गयाने मंदिर का सुंदरीकरण से इलाके का चाहे वह विरासते मार्ग से चाहे वह गोविंदगढ़ फोर्ट से चाहे वह जेड़ी साढ़े वॉर मेमोरियल बनया चाहे जिन्ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होया जो काम उस वेले होया वो काम पहला कदे होया नहीं। इस गल की वधाई है कि एक इंसान जिन्हें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जिन्हें कम करके विखाया कहनी ते कथनी दे पक्के अज साडे विच शामिल होए उन्होंने जिया कहना उन्होंने वधाई देना। और दूजे पासे कल्ले जिहड़े कोई काम सीधा नहीं किया ढाई साल वह भी मंत्री रहा राधे माता चेला ठोको ताली ते कीता कख नहीं और सर एडा शातर बंदा है दोवें सरकारां दा निग मान लिया ते 17 साल दी उहदी प्राप्ति पुछ लो जीरो। हाँ एक प्राप्ति बड़ी है कि समय नाल पापा बदल जांदा और समय नाल जिहड़ा पापा बदल जावे समय नाल कहानी पा जांदा कि ये माड़ा भाई तू आप दी भी रिपोर्ट कार्ड दसना वट डू यू हैव टू शो कि वट हैव यू डन। चलो मैं उहदे च ज़्यादा ना जांदा होया क्योंकि अज वो गल नहीं मुद्दा नहीं एवें कई बार कोई गल कही जाती है जिहदा फायदा कोई नहीं माड़े बंदे दा ऊं गल नहीं करनी चाहिए। उन्हें वेखो वैसे तो वह पप्पू भी समझदा उन्हें कहा ये जोकिंग प्रेजिडेंट बाकी चार वर्किंग प्रेजिडेंट और थले इन्ने एडवाइजर ला ले तो फिर पुछो कि ये ठोको ताली अकलों खाली जेडे इन्ने एडवाइजर ला के इनू आप समझ कोई नहीं। इसलिए मैं वो गल च ना जाता होया हूँ चीमा साहब न बेनती करूँगा कि अगली कार्रवाई करन। चीमा साहब भी अज खुश जापते हैं कि उन्होंने कैबिनेट का भी साथी वजीर सी रखड़ा साहब न भी बधाई है जयदार साहब न भी बधाई है अज शरणजीत जी लोके बैठे इन्हों बधाई है और शर्मा जी कितने अपने एनके शर्मा जी थोनू वड्डी बधाई है मित्तल साहब तो थोनू जिहड़ा दिलों की सांझ पाउण च जिन्होंने वधिया रोल अदा किया आ साडे सत्कारयोग गर्ग साहब नूं वधाई है समुची श्रोमणी अकाली दल की टीम गरेवाल साहब रखड़ा साहब का जयदार साहब का मैं लैता जी थोड़े रिश्तेदारा का मैनू वध फिक्र रहिंदा तुसीं क्यों ऐ करदे हो। जयदार साहब का भी मैं लैता सारी श्रोमणी अकाली दल की टीम नूं वधाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मजेठा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है सारी उन्होंने अपनी सान जी जोशी साहब नाल ते बाकी शामिल होने वाली शख्सियतों के नाल सांझी की है। जोशी साहब अज मैं जिते तुहानू वधाई देना उत्थे मैं स्टेज के उत्ते भी गल सांझी करदा कि जोशी साहब के नाल मेरा बहुत पुराना प्यार है हाले राजनीति दे विच नवें नवें सी ते पहली बारी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट अपलाई करनी सी ते जलंधर मेरे को घर आ गए कहिंदे यार मैं जमीन दे उत्ते ते बड़ा कम करदा पर साडी पार्टी पढ़िया लिखिया दी है उत्ते कई तरह की डेमोग्राफी के सवाल पुछदे आ मेरी तैयारी करा दे इंटरव्यू की मैनू ये कम नहीं आता बाकी मैं सारा कम कर लो। तो जोशी साहब नूं मैं याद करदा कि अपने जलंधर वाले घर दे विच मैं इन्हां दी बैठ के तैयारी कराई सी ते इन्हां ने जाके इंटरव्यू दित्ती ते एमएलए बने ते बाद दे विच कैबिनेट मंत्री बने।
अज हुण फिर मैनू पुछया इन्होंने जदों आ भाणा वरत्या जदों किसानां दे हक दे विच इन्होंने स्टैंड लिया ते फिर इन्हां नूं याद आया पुराना साथी कि जिन्हें उदों चंगी तैयारी कराई सी उहनूं फिर सलाह कर लवां ते मैं पर्दे नाल फिर सलाह दित्ती भी हुण इस वेले मौसम बहुत वधिया तुहाडी सोच अकाली दल नाल मिलदी है इस करके तुहाडा पिछोकड़ पिंड दा सोच किसानी दे नाल मिलदी है अकाली दल नाल मिलदी है इस करके हुण जकारा ला दिओ मैं धन्नवाद करदा कि उन्होंने सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ा संकल्प नवा शुरू किया गल जिहड़ी पंजाब दी कीती है जिहड़ा 13 निकाती प्रोग्राम दिता है उन्हूं बहुत वड्डा समर्थन अज इत्थे शमूलियत साथियों नाल करके दिती है मैं जोशी साहब नूं बेनती करदा कि वह आके अपने मन दे वलवले जिहड़े आ उह तुहाडे नाल सांझे करन अनिल जोशी जी बोलो निहाल यह हुण माझे वाली गल नहीं बनी यह मैं भी पिछों माझे दा ही हाँ तुसीं जदों मजीठा साहब जकारा लाउंदे सी उदों ज़्यादा उच्ची सी आवाज़ इस करके हुण फिर मैं जकारा लाउंना दोवें हथ खड़े करके बोले सो निहाल धन्नवाद चीमा साहब बहुत सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान जिन्हां ने एज ए डिप्टी सीएम पंजाब की सेवा की है सरदार सुखबीर सिंह बादल जी सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी जिन्हां दे नाल असी कैबिनेट्स बह के पंजाब बारे बहुत वड्डे वड्डे फैसले करते रहे हैं डॉक्टर चीमा साहब गरेवाल साहब रखड़ा जी तोता सिंह जी शरणजीत ढिल्लों जी जिन्हां दे नाल बहुत निघा संबंध शुरू तो मेरा रहा ते असी एक परिवार वांगू सरकार दे विच विचरदे रहे हैं हरीश राय टांडा जी जिन्हां नूं प्यार दे नाल मैं हमेशा ही उस्ताद जी कहना लोधी नंगल साहब मैनूं याद है जदों मैं MLA सी ते असी बेंचमेट सी एक बेंच ते असी बैंदे रहे हां ते दर्जा बदर्जा श्रोमणी अकाली दल दी ते भारतीय जनता पार्टी दी लीडरशिप ते वर्कर साहबान ते जिहड़े अज मेरे नाल टीम दे रूप दे विच पंजाब दे भविख वास्ते पंजाबीयत दे भविख वास्ते पंजाब दी समृद्धि वास्ते पंजाब दे भाईचारे वास्ते पंजाब दी तरक्की वास्ते ते ओ 9 मास दा रिश्ता जिहड़ा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दी जो सोच सी वो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दे नाल वो कोई पोलिटिकल समझौता नहीं सी कीता वो हिंदुस्तान दे सुहार्द वास्ते भाईचारे वास्ते अतवाद तो बाद जिहड़ियां फ्रिक्शंस थोड़ियां थोड़ियां मना च बनियां सी उन्हां नूं दूर करन वास्ते वो गठबंधन कीता सी जिहड़ा हिंदू सिख दे 9 मास दे रिश्ते दे रूप दे विच प्रूव होया पूरे देश दे विच एक खुशहाली का मैसेज भाईचारे का मैसेज उस आतंकवाद तो बाद जिहड़े साडे सिख भरावां प्रति पूरे देश दे विच थोड़ी बहुती कुड़त्तन कांग्रेस की सोच ने पाई सी ते पंजाब दे विच हिंदुओं के मनों दे विच डर बनाया सी वो फिर गठजोड़ जिहड़ा वो 9 मास का रिश्ता जिहड़ा वो प्रूव होया ते फिर उस तरह खुशहाली दे दिन आए ते वो प्रेम प्यार भाईचारा 9 मास का रिश्ता जिहड़ा अज तक उस तरह ही रिश्तों के विच भी तब्दील हो रहा
ते रात दिन असी पंजाब दी तरक्की वास्ते 10 साल सरकारां दे विच मैं भी काम किया, उस तो पहला भी सरकार 5 साल जिहड़ी बनी सी, वो मेरे साथी, क्योंकि समय दे नाल गठबंधन जिहड़ा पंजाब दे मुद्दियां ते टुट गया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंजाब दी गल करन वाली पंजाब दी इक्को इक अपनी पार्टी आ जिन्हें पंजाब दे लोकां दी हर गल दे उत्ते पहरा दिता, पंजाब दे लोकां दी सोच दे उत्ते पहरा दिता, पंजाब दी किसानी व्यापार ट्रेड ते भाईचारे दे उत्ते पहरा दिता, उन्हें जदों पंजाब दे किसानां दी गल उठाई नहीं मनी गई ते इह समझौता टुट गया, उन्हूं दुबारा उस शेप दे विच जे गठबंधन नहीं रहा, मुद्दियां दे उत्ते गठबंधन टुटदे आ, पर यह 9 मास का रिश्ता टुटन नहीं दिता जाऊगा, यह पंजाबी भाईचारा टुटन नहीं दिता जाऊगा। यह संकल्प करदिआं होइआं, यह संकल्प करदिआं होइआं मेरे इन्हां साथियों ने जिन्हां दे मैं नां लै रहा, मेरी भैण श्रीमती सुखजीत कौर शाही, शाही साहब साढ़े दोस्त सी, असी इकट्ठे 5 साल लगातार MLA रहे, वो CPS रहे, असी कट्ठियां जाना विधानसभा, कट्ठियां रहना, कट्ठियां खाना, पर दूसरी पारी दे विच वह सानू छड़ के चले गए, पर साड़ी भैन ने जो समाज उन्हां दे उत्ते विश्वास करता सी, जो उन्हां दा हलका उन्हां दे विश्वास करता सी, जो पंजाब उन्हां दे विश्वास करता सी, वह नहीं टुटन दिता, तो आप MLA दे रूप विच 12 तो 17 तक साढ़े नाल एज ए कुलीग उन्होंने काम किया, अज वो भी मंचते ने इस भाईचारे वास्ते। मेरा छोटा वीर मोहित गुप्ता जिहड़ा पंजाब दा यूथ दा प्रधान रहा, नैशनल ते पंजाब दे जम्मू कश्मीर दे बहुत सारे मसलों के उत्ते जिम्मेवारी निभाई है, वो भी साढ़े नाल स्टेज के उत्ते मौजूद आ। मेरा भरा कमल चेटली जिहड़ा बहुत वड्डा बिजनेसमैन आ, लुधियाणे का नामी परिवार आ, MLA की इलैक्शन जिहड़ी आ 2017 दे विच लड़ी आ, अज वो भी मंच दे उत्ते मौजूद आ इस भाईचारे वास्ते। मेरा छोटा वीर RD शर्मा, मैनू याद आ जदों ये डिप्टी मेयर सी, मैं लोकल गवर्नमेंट दे विच मिनिस्टर सी, डेली कोई दिन नहीं सी जांदा जदों ये लुधियाणे दे मसलियां नूं लैके मेरे कोल नहीं सी आउंदा, ते कोई अपनी वार्ड दा काम नहीं सी लैके आउंदा, पूरे लुधियाणे दे काम लैके आउंदा सी, डट के काम किया। लुधियाणा नॉर्थ दे विच इन्हें कल्ली अपनी वार्ड च नहीं, पूरे हल्के दे विच पैठ बनाई, पूरे लुधियाणे च पैठ बनाई। RD शर्मा मेरा छोटा वीर एक्स डिप्टी मेयर, वह भी मौजूद आ। राजकुमार गुप्ता जी सुजानपुर तो 5 वारी कौंसलर रहे, 2 वारी वाइस प्रधान रहे, उस तो बाद प्रधानगी की वारी सी यार, की प्रधान बनते सी, पर जिहड़ी परची पार्टी ने लिख के इन्हां दे नां दी दित्ती सी ओह कढ़ी नहीं गई, मैरिट इग्नोर हुई। इन्हां दा बहुत वड्डा नां पठानकोट जिले दे विच भारतीय जनता पार्टी नूं खड़े करन दा सीगा, पर इन्हां नूं नुकरे ला के बिठा दिता गया, जिहड़े कि सुजानपुर हल्के दे विच अज एक एक घर दे विच मौजूद ने, एक एक पिंड दे विच मौजूद ने। मैं खुद जाके इन्हां दा जन आधार वेख्या कि किन्ने सरपंच पंच, किन्ने कौंसलर, ब्लाक समितियां दे जिला परिषदां दे प्रधान ते मैंबर इन्हां दे ने, इन्हां ने मेरी मीटिंग कराई सी, बहुत वड्डा जन आधार लैके ये उत्थे काम करदे आ। राजकुमार गुप्ता जी ये भी साढ़े नाल मौजूद ने। मेरा वीर सुरिंदर शिंदी 2 वारी जिला प्रधान बटाले तो रहा, 2 वारी नगर कौंसल फतेहगढ़ चूड़िया का प्रधान रहा, अपने बलबूते ते 15-15 कौंसलर ये खुद चलाउंदा रहा, ते इस गठजोड़ दे विच हमेशा ही इहदा
श्रोमणी अकाली दल के MLA नूं जिताउण दे विच सब तो वड्डा रोल रहा फतेहगढ़ चूड़िया तो सुरिंदर शिंदी जिहदा मेरा बहुत पुराना संबंध आ 90 तो पहलां दा वह भी इत्थे मौजूद आ हरजीत सिंह भुल्लर जिहड़े पार्टी की आवाज़ उठाउंदे सी टीवी डिबेट ते जांदे रहे सी नैशनल को कन्वीनर रहे ह्यूमन राइट सैल दे BJP दे पर इसे किसानी मुद्दे दे उत्ते जो उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हों का भी उही हाल होया जो बाकियों का पार्टी च होया नुक्कड़े लगा दिता गया वह भी रिजाइन करके इस स्टेज पर मौजूद है हरजीत सिंह भुल्लर जी मिंटू शर्मा जी बहुत वड्डी गिनती दे विच इन्होंने इलैक्शन जीती सी कौंसलर दी उस तो बाद टिकट कट दिती गई इन्हों की जबकि पार्टी का जिहड़ा कौंसलर इन्होंने खिलारिया सी पार्टी ने 1800 वोटां ते हारिया ते इन्हां दी सिर्फ 150 वोट का आजाद फर्क रह गया एडे जनाधार वाले लीडर नूं नकारिया गया खुड्डे लैण लाया गया मैरिट इग्नोर होई ते अज वह भी इस स्टेज ते मौजूद आ मेरा वीर अमन ऐरी दो वारी कौंसलर इस वेले मौजूदा कौंसलर आ पूरे अमृतसर दे विच अपनी चंगियाई अपनी बोली अपने प्यार दे नाल लोकां दा मन जित्तिया अमन ऐरी जी ने अज ओह वी स्टेज दे उत्ते मौजूद आ सुमित शास्त्री जी मैंबर स्टेट BJP वर्किंग कमेटी एक्स डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान युवा मोर्चा गुड़गांव तो वह भी मौजूद ने विक्रम लक्की जी जगराओं तो वह भी मौजूद ने विक्रम लक्की जी जिले के कैशियर बठिंडे दे वह भी इत्थे मौजूद आ विक्रम ऐरी जी जिहड़े स्टेट के युवा मोर्चे के सैकटरी रहे आ वह भी इस स्टेज पर मौजूद आ प्रभजीत रटौल एक्स कौंसलर जिहड़े तरन तारण च वाइस प्रधान रहे सीनियर वाइस प्रधान रहे म्यूनसिपल कमेटी दे उस वेले सीनियर वाइस प्रधान सी पर उस दौरान ही उस टन्योर दे दौरान ही अमृतसर च आ के वेखो उन्होंने कौंसलर की सीट जीती बहुत वड्डी गिणती दे विच एक्स कौंसलर प्रभजीत रटौल वह भी इत्थे मौजूद ने ते मैं जिन्नी करीम श्रोमणी अकाली दल क्योंकि असी इस परिवार का हिस्सा बन चुके हूँ तो श्रोमणी अकाली दल की पंजाब की करीम इत्थे स्टेज के उत्ते बैठी है मैं सारे नूं पहलां फतेह अर्ज करदा बोले सो निहाल जय श्री राम जयकारा वीर बजरंगे बोले सो निहाल जयकारा शेरां वाली दा इन्हां साडे इष्ट इन्हां दे आशीर्वाद तों बाद मैं अपने दिल की गल इत्थे रखनी चाहुंना कि मैं पिंड संघे तों मेरे फादर टीचर सीगे समय दे नाल असी बिजनेस किया तरन तारण दे विच मैं समाजक कम्मां दे विच आया समाज के काम च आया तो मेरा हौली हौली कारोबार तो मन उचाट होण लग पिया बहुत लंबा चिर समाजक जथेबंदियां च करदा काम करदा करदा होया RSS विच काम करदा होया भारतीय जनता पार्टी च 2000 दे विच मैं आया 85 तो मैं संगठन का काम शुरू किया सी ते मैं 2000 तो लैके अज तक जे मैं भारतीय जनता पार्टी दे स्टेज ते सीगा उस मंच ते सीगा ते तद भी इत्थों दिलों अंदरों ईमानदारी दे नाल समर्पण दे नाल रात दिन एक करके पार्टी का झंडा बुलंद करने की कोशिश की सी बहुत मुश्किलां बहुत मुसीबत आईयां आतंकवाद दे विच मेरे पिता जी आतंकवादियों दी गोलियां दे नाल शहीद होए पर पिछे नहीं हटे
उस तो बाद पार्टी की आवाज उठाते हैं, संगठन का काम करते हैं। कई बार टकराव होया, अपने परिवारों के भी होया, पिछे नहीं हटिया। 2007 तो 2012 तक MLA रहा। तो मैं नमस्कार करदा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल मैं अपने हलके दे विच MLA हुंदिया होया मैं कह सकदा मैं मंत्रियों तो वध काम कीता। जो काम मैं लैके आउंदा सी लोक हित विच हमेशा लैके आउंदा सी, अपने वास्ते एक पंज पैसे का कदी काम है। सुखबीर जी बैठे आ, बिक्रम जी बैठे आ, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल पिंड बैठे, असीं आशीर्वाद लैन जावांगे उन्हां कोलों, क्योंकि बहुत कुछ सिखिया उन्हां कोलों, बहुत आशीर्वाद उन्हां दा रहा। भावें जिद करके भावें लड़के जो एजेंडा हल्के दे विचों लैके आउंदा सी उह पूरा करवा के खड़दा सी, क्योंकि मैं यह समझदा कि काम जिन्ना मर्जी वड्डा होवे उहदे पिछे मेहनत इमानदारी ते सच्ची लगन दे नाल लग जे ते कोई काम औखा नहीं। ते बादल साहब हमेशा ही यह पछाणदे सी कि यह लोकां वास्ते लड़ रहा, यह लोकां वास्ते लड़ रहा। इस करके कदी उन्होंने मैनू ना नहीं सी कीती, एडे एडे वड्डे प्रोजेक्ट गंदे नाले वर्गे जिहड़े जिन्हां दे 25 करोड़ रुपया लगा सिंगल प्रोजेक्ट ते, ते बादल साहब को लैके जिहड़ा नरक 70 साल लोगों ने झल्लिया सी उह पूरा करवाता सी। हाले MLA उदों सीगा मैं, ते उस हलके तो MLA नहीं सी जिथे वह गंदा नाला सी, अगली डिलिमिटेशन च वह बनिया सी। उस तो अलावा व्यापारियों के इंडस्ट्रिस्टा के जिहड़े भी काम सी, कलॉथ मर्चेंट के उत्ते वैट लग गया, सारा पंजाब आया। बाद साहब आते टैक्स तो लगते रहते, काका जी बाकियों भी लगे आ, पर जिद कर ली। एक बाप वांगू जितना बच्चा जिद करता तो एक बाप नूं उहदी गल मननी पैंदी आ। सारे पंजाब का वैट उन्होंने बिल्कुल ही हटा दिता। व्यापारियां इंडस्ट्रिस्टां ट्रेडरां वास्ते, शहरी मुद्दियां वास्ते, पंजाब दे हिंदू कम्युनिटी दे मुद्दियां वास्ते जिस तरह दुर्गाने मंदिर की गल की बिक्रम जी ने, गुट तो फड़ के लैके जाके साडे डिप्टी CM साहब सत्कारयोग सुखबीर सिंह बादल जी, बारिश पैंदी सी मैनूं याद आ, असीं हैरीटेज स्ट्रीट का प्रोजेक्ट रिव्यू करते पए सी, उत्थे चैक करते पए सी काम। मैं कहा जी तुरो, आंदे बारिश पैंदी पई आ, मैं कहा कोई गल नहीं। दुर्गाना मंदिर गए, 150 करोड़ रुपए का वह प्रोजेक्ट ब्यूटीफिकेशन का उस वेले अनाउंस किया, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की एक सोच मैं वेखी आ कि वह पंजाब दे हिंदू सिख दलित हर भाईचारे नूं बराबरी दे उत्ते रखदे आ, ते हर धर्म का बराबर सत्कार करदे आ। इसे सोच करके अज मैं इस स्टेज पर खड़ा, क्योंकि बादल साहब का हमेशा मैं वेख्या, बादल साहब का सब तो प्रायोरिटी उन्हां दी जिहड़ी हुंदी सी उह पंजाब दा भाईचारा, पंजाब दा सुहार्द, पंजाब दी शांति हुंदी सी हमेशा। उन्होंने जिन्नियां यादगारां बनाईयां उहदे च हर कम्यूनिटी आउंदी आ, उहदे च हर वर्ग आउंदा, उहदे च हर इलाका आउंदा, हर इलाके नूं नुमाइंदगी, हर वर्ग नूं ते हर कम्यूनिटी नूं। यह उन्हां दी सोच जिहड़ी आ असी सब ने अगे लैके जाणी आ। इस सोच दे उत्ते असी पहरा देना। मैं मंत्री बनिया, मंत्री बनदियां भी बहुत सारियां मेरियां कंट्रोवर्सियां रहियां होणगियां, क्योंकि मैनू MLA बन गया समाजक कामां तों बाद, मिनिस्टर बन गया, पर संघर्ष जिहड़ा उह मेरे अंदर हमेशा जागदा रहा। संघर्ष का हमेशा नाता मेरे नाल रहा। भावें बहुत वड्डियां मिनिस्ट्रियां सी मेरे को, पर जिथे लोगों की गल कदे अड़दी सी उत्थे अनिल जोशी भी अड़दा सी, भावें CM सी भावें डिप्टी CM साहब सन। अज असी एक परिवार च आ, ते मैनू इन्हां दी एक गल किसी ने सुनाई, मैनू आंदे यार तैनू पता तेरी सुखबीर जी किन्नी इज्जत करदे आ। मैं कहा मैं तो छोटा भरा उन्हां दा, असी कट्ठियां काम कीता,
मेरे को डिपार्टमेंट से अपना शहरी डिवेलपमेंट का, इस करके रोज साडा मीटिंग होंदिया सी, रोज आंदे नहीं एक गल हो रहा। मैं क्या हो की आंदे आंदे आ वे, मैं अनिल जोशी की इस करके इज्जत करदा कि वो लोगों के मुद्दे करके अपने जिहड़े शहरां दे विचों नुमाइंदा बन के आउंदा उन्हां व्यापारियां इंडस्ट्रीसां करके इन्ना क स्टैंड लै जांदा कि सानू झुकना पैंदा, सानू उहदा काम करना पैंदा। इस करके उहदी मैं इज्जत करदा कि वह हमेशा लोक हित दे विच खड़ा रहिंदा, कदी अपना काम नहीं लैके आया। यह सारिया गल्लां ने मैनू प्रेरित किया कि उही परिवार जिहड़ा बीजेपी च रहिंदे होइआं असी कट्ठे बैठते सी, भावें समझौते करके आते, समझौता टुट गया पर असी वह परिवार नहीं टुटन देना। यह सोच लैके अज ये सारे मेरे साथी इस स्टेज पर आ। बादल साहब की उस सोच उत्ते पहरा देने वास्ते कि पंजाब किसी एक कम्यूनिटी का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, एक कम्यूनिटी का नहीं गा, ना पंजाब सिखां दा, ना पंजाब हिंदुआं दा, ना दलितां दा, ना किसी होर वर्ग दा, पंजाब सब पंजाबियां दा, पंजाब हर वर्ग दा, ओना ही पंजाब सिखां दा, ओना ही पंजाब हिंदुआं दा, ओना ही पंजाब दलितां दा, ते ओना ही पंजाब बाकी वर्गां दा। इस सोच दे अगे मेरा नतमस्तक होना तय सी, क्योंकि मैं हर टाइम जमीर तो काम किया। जदों मैनू पार्टी चो किसानां दे हक विच हा दा नारा मारन वास्ते कढ़िया गया, मैनू बहुत सारे फोन सेंटर तो भी आए होणगे, अपनी पार्टी दे लोकां दे भी इत्थों पंजाब चो भी आए होणगे, बहुत सारे लोकां ने मेरे साथियों ने मेरे तक पहुँच की होगी, पर मैं जो कहा सी, जो अल्टीमेटम दिता सी, मैं क्या वो पूरा कर दिओ, मैं हाथ जोड़ के आ जाऊँगा, मैं कोई इलैक्शन नहीं लड़ता, मैं माफ़ी मांग के आ जाऊँगा। किसानों नू उत्थों सैटिस्फाइड करके हसदे खेड़दे उन्हां बार्डरां तों घरां नू तोरो। एक साल हो गया, 600 दे करीब शहीद हो गए, अपने भरावा हा दा नारा मारो जिहड़े उत्थे शहीद होए, क्योंकि कोई भी बंदा किसी कॉमन प्रोग्राम वास्ते, किसी कॉमन संघर्ष वास्ते, कम्यूनिटी दे समाज दे संघर्ष वास्ते, अपने सूबे अपने देश के संघर्ष वास्ते जे जान दिंदा ते वह शहीद हुंदा। मैं क्या उन्हां शहीदां वास्ते हा दा नारा मारो, कोई तुहानू यह नहीं कहिंदा भी ये क्यों मारिया। आओ चलीए पंजाब दे सारे लीडर्स इकट्ठे करो, दिल्ली चलीए हिक डा के जाके कहिए कि साडे भरावां नू अन्नदाता जिन्हों कहिंदे ते हैं, पर वह बार्डर ते बैठे आ धुप्पां गर्मी सर्दी हड चीरवी ठंड नेरी झक्खड़ सब कुछ चल लिया, उन्होंने इन्ने शहीद हो गया, उन्होंने उठा के उन्होंने सैटिस्फाइड करके भेजो कर, पर किसी के कन्ना दे जू नहीं सरकी। अखीर मीडिया दे विच ओपन इन्हां गल्लां तो करद्या करद्या सिने दे आउंदे रहे, पर अपनी गल तो टस तो मस कोई नहीं होया। नैगलीजेंसी सी जिन्हां दे पंजाब दे लीडरां दी, क्योंकि ये जदों पंजाब की धरती से बार्डर के उत्ते टोल बैरियर से स्टेशन से बैठे से बहुत छोटी जी गल दे नाले मसला हल हुंदा सी। ये मसला नैशनल इंटरनेशनल नहीं सी बनना, पर उन्होंने उत्थे जान दिता गया। झूठ बोलते रहे साडे लीडर के लोग बहुत खुश हो रहे इन्हां एक्टां पिछे, इन्हां कानूनों तो बहुत खुश हो रहे लोग, सानू सन्मानित कर रहे हैं लोग, टीवी अगे पाते रहे वर्चुअल मीटिंगां दे अगे, तो वर्चुअल मीटिंगा से बहा के कई मेरे अर्गे पगां बना के बहा के मंत्रियों कहते रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुमराह करते रहे। नहीं तो जे सही फीडबैक देंदे तो पंजाब के किसानों इन शहीदियां ना देनिया पैंदियां, इन्ना चर बार्डर से रुलना ना पैंदा, तो वो अपने घर काम करते होंगे। तो ये मसला नैशनल या इंटरनेशनल पूरी दुनिया के जो प्रोटेस्ट होंगे आ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਜ 90% ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਯੈਸ ਸਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀਓਂ ਰਿਮੋਟ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਫੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਪਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ MLA ਸੀ, ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਸਾ ਖੇਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਨਿਲ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ
जात पात विश्वास नहीं रखता, पर मैं शहर चो आना। असी व्यापारियां इंडस्ट्रिस्टा शहरिया की नुमाइंदगी करते हैं, तो मेरे जोड़े साथी बैठे आ ये भी सारे शहर की नुमाइंदगी करने वाले आ। मैं अपने साथियों के नाल संकल्प करदा कि पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब का व्यापार, पंजाब के हिंदुओं के मुद्दे उन्हां दे उत्ते इत्थों दिलों पहरा दूंगा दिलों। सुखबीर जी ने मैनूं अशोरेंस दे दित्ती आ, बादल जी का पहला ही यह सुपना वा, तो असी रल के एक ऐसा खुशहाल पंजाब बनावांगे, ऐसा वातावरण तैयार करांगे, ऐसा शांति वाला वातावरण तैयार करांगे कि जिहदे विच इंडस्ट्री व्यापार प्रफुल्लत होवे, ते उन्हां दा एक एक मसला जिहड़ा पहला ही एक फोन आउंदा सी, असी कहिंदे सी आ जाओ चंडीगढ़, ते नाल ही बादल साहब नूं सुखबीर जी नूं एक मिनट दे विच मिला देईदा सी ते मसला हल करा देईदा सी, दिल्ली वालों कोई हुक्म नहीं सी आउंदा। हुण वी इहो अशोरेंस दिवाउणा, जदों वी तुहाडा पंजाब दे शहरियां दा, पंजाब दे इंडस्ट्रिस्टां व्यापारियां जां पंजाब दे किसे वी कोने दे विचों किसे तरह दे वी मसले दा सिनेहा आऊगा, उस वेले मीटिंग तय होगी, उस वेले आने वाली श्रोमणी अकाली दल की सरकार दे विच ओ मसले सिकंटा मिनटा एक एक दिन दे विच हल होणगे, क्योंकि सानू पंजाबियां नू ए पंजाबियां दी पार्टी आ, ये पंजाब की पार्टी आ, पंजाब नू प्यार करन वालियां दी पार्टी आ। इनू दिल्ली वल वेखण दी, दिल्लियों हुक्म लैण दी कोई जरूरत नहीं, असी बह के मौके दे उत्ते हल करिया करांगे। ये अशोरेंस मैं अपने वालों सब नू दवाउणा, ते सब नू मैं धन्नवाद दिंदा कि उन्होंने अज इन्ना प्यार विखाया, इन्नी वड्डी गिणती जे असी रोकिया सी, कोई गल नहीं, असी 28 तरीक नू अमृतसर प्रोग्राम रखिया, तुसीं भावें इत्थे ना आओ, 28 तरीक नू सुखबीर जी आ रहे, सारी लीडरशिप आ रही जिले की, विक्रम जी आ रहे आ, ते आपां उत्थे इन्हां नू मिलांगे। पर इन्ने प्यार दे नाल सारे पंजाब चों मेरे साथियों के नाल प्रमुख वर्कर, प्रमुख साथी, मोढ़े ना मोढ़ा लाउण वाले, साढ़े अगे हो के लड़ाइया लड़न वाले, इलैक्शन लड़न वाले साथी आए आ, इन्हां दा मैं दिल दीआं गहराइयां तों धन्नवाद करदा, ते स्टेज ते बैठी सारी लीडरशिप दा धन्नवाद करदा, ते नाल ही सुखबीर जी नूं अशोरेंस दिवाउणा। मैं पहलां जिहड़ी गल कीती सी कि उस मंच ते सी बीजेपी दी, ते दिलों मरन तक पार्टी दे झंडे नूं उच्चा कीता, अज मैं इत्थे तुहाडे च यह संकल्प करदा, अशोरेंस दिंदा अपने दिलों कि श्रोमणी अकाली दल दा परिवार दा मैंबर हुंदिया होया मैं अपने दिलों अपनी जान ला के भी इत्थे दे मान सम्मान नूं बहाल रखूंगा, इस झंडे नूं बहाल रखूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जोशी जी का साडा सारा ही अमृतसर जिला उन्होंने सन्मान वजो सरोपा दे के उन्होंने सत्कार कर रहा, बोले सो निहाल। ये अमृतसर ने खास, गुरु की नगरी ने खास सन्मान रखिया, और सत्कारयोग आ मैनी साहब भी इत्थे ने, इन्होंने भी लंबा समा तरन तारण जिले के प्रधान रहे, ये भी पहला ज्वाइन कर गए सी, इन्हां दी टीम दे बड़े वड्डे साथी रहे आ, इन्हां दा भी धन्नवाद है। सत्कारयोग साडे जोशी जी ने बड़ी वधिया गल कीती कि व्यापारियां दी गल, शहरी वर्ग की गल, इंडस्ट्री की गल, भावें श्रोमणी अकाली दल के विच बैठे लीडरशिप भी इस गल नूं हमेशा ध्यान च रखती सी, मगर जे कोई कमी पेशी रह जाती सी जी, जोशी जी की सलाह भी बड़ी वैल्यूएबल होंदी सी। और मैनूं तसल्ली है कि अज शर्मा जी बैठे है, इन्हां नूं भी बहुत वड्डा बल मिलिया, गर्ग साहब हो गए, सिंगला जी हो गए, साडे टांडा जी बैठे है ओ, और ये सारे भाईचारक सांझ वास्ते अज बहुत मजबूती का काम इन्हां दे नाल टीम दा कट्ठे होके काम करन नाल मैं समझदा मिलूगा। जोशी जी माड़ा जिहा इधर ध्यान दिओ, जोशी जी इधर आ जाओ, ये मगरों कर दे, इधर आ जाओ। कला कला कदे कदे गेयर फस जांदा सी, कहिंदे सी गेयर फस जांदा सी,
अजकल दी गड्डिया च लग के ही ऑटोमैटिक गियर आउंदा, एक्सेलेटर दे ही चलो काम आपे हो ही जाना। तुसीं एक्सेलेटर ते पैर रखियो, मसला कोई बन नहीं देना, काम लोकां दे भले दा। किड़च किड़च करते जावांगे, ऐन बल्ले बल्ले करा देंगे। और मैं बादल साहब तुहानूं इक गल होर दी वधाई दिंदा कि कुछ दिन पहला तुसीं जगबीर सिंह बराड़ साहब नूं शामिल कीता सी पार्टी च। और वेखो कोई प्रेस वाला वीर गुस्सा ना कर जे, मगर कदे कदे थोड़ी खबर चटपटी बनाउण नूं कोई लिख दिंदा कि मक्कड़ तां हुण रुस के भज गया। सरबजीत मक्कड़ जी उह बैठे आ, माड़ा जिहा मक्कड़ जी उह खड़े होके फतेह बुलायो। मैं इन्हां दा वी दिलों धन्नवाद करदा कि अज कल्ला इसलिए स्टेज ते आए आ विश्वास दवाउण वास्ते कि मैं सदा ही श्रोमणी अकाली दल बादल परिवार दे जो भी हुक्म है, बादल साहब जो कहिंदे रहे मेरे लिए वह अखीरला हुक्म मैं मनदा। परमात्मा तो बाद सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का बहुत वड्डा सत्कार करन वाले अज इसलिए इत्थे आए आ कि तुसी जगबीर बराड़ नूं पावे मेरा हलका देता, मगर मैं ठोक के उन्हां नूं जिताउण वास्ते मैं वधाई दिंदा कि जे लोकां दी सरकार लियाउणी आ, लोकां दे मसले हल करने, सानूं आप दे गिले शिकवे भुलाउणे पैणे आ, छड्णे पैणे आ। मैं इस गल दी वधाई दे के मक्कड़ साहब दा वी जरूरी समझदा सी। मैं हुण चीमा साहब नूं बेनती करूंगा कि अगली कार्रवाई आप दी जारी रखन। बहुत बहुत वधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मजीठा साहब तो बाद मैं बेनती करांगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भैन जी सुखजीत कौर शाही जी, सबका MLA सुखजीत शाही जी, सबका MLA दसूआ, कि वह आके दो मिनट वास्ते अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करनगे। बीबी सुखजीत कौर शाही जी, बहुत ही सत्कारयोग मंच ते बैठे हुए श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान श्री सुखबीर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया और समूह सीनियर लीडरशिप मंच ते जिहड़े बैठे ने, और सामने पंडाल दे विच मेरे पत्रकार वीर, साढ़े हल्कियां तो आए हुए साढ़े वीर, सब तो पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ। वीरो, अगर मैं गल शुरू करा, शाही साहब MLA जदों बने उस तो बाद साडा जिहड़ा मेरा खास तौर पर थोड़ा थोड़ा वाह सियासत देखती सी, मैं उन्हां नूं बहुत ज़्यादा प्यार बादल परिवार नाल उन्हां दा सी। हालांकि वह BJP च सी, फिर भी दिलों उन्होंने बहुत ज़्यादा वड्डे बादल साहब की, सुखबीर जी मजीठिया जी की बहुत ज़्यादा उन्होंने कदर की। और इन्होंने भी दूसरी पार्टी का उन्होंने कदे नहीं समझिया, हमेशा अपनी पार्टी का एक मैंबर समझिया। कोई बहुता वाह सियासत का है नहीं सी, लेकिन जदों वो पूरे होए उस तो बाद जिस तरीके दे नाल इस पार्टी दे लीडर ने, खास तौर पर वड्डे बादल साहब ने 7 दिन मेरे घर च रहे, मैनू संभालिया, मेरे सिर ते हाथ रख के उन्होंने कहना तू मेरी धी है। और अज तक भी धी का रिश्ता जिहड़ा उन्होंने निभाया, मैं कदे भी उन्हां को कुछ मंगण लई गई उन्होंने मैनू कदे ना नहीं की, हमेशा कहना बीबा जी आओ दसो बेटा जी की चाहिए। अजे तक भी उन्हों का महीने के एक फोन मैं जरूर आता कि बेटा जी की हाल है, तुहाडा सेहत किदा है। और सच मैं इदा लगता मेरे अपने फादर तो दुनिया से नहीं है कि अज भी मैं धियां वागू मैं भुले नहीं, मैं बहुत प्यार किया उन्होंने। सुखबीर जी के नाल जो जो मैं MLA बनी, जो इन्हों तो मंगया इन्होंने भी जो कह दिता सो कर दिता। मजीठिया साहब वो मैनू अपने हमेशा घर के मैंबर लगते रहे,
उन्होंने भी जिस तरीके साडे परिवार को संभालिया शायद वो लफज मेरे को अज बयान करन लई नहीं है। चलो बड़ी सोहनी काम चल रहा सी, लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया सी उन्होंने जान तो बाद, लेकिन मैं शॉर्ट करूँगी क्योंकि बहुत सारिया गल्लां अनिल जोशी जी ने साडे दिल दियां कर दित्तियां ने, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। पर कुछ महीनों तो आ 7-8 महीनों के तो जो हालात पंजाब के बने हैं इन्ना ज़्यादा दिल खफा है, इन्ना ज़्यादा दिल दुखी है कि वह अन्नदाता जिहड़ा फाके कट के लोगों लई सब कुछ कर रहे है, उस बंदे की इन्नी दुर्दशा, उस किसानी की इन्नी दुर्दशा। अगर असी कदे अपनी सीनियर लीडरशिप के नाल बड़ी तमीज़ नाल बड़े अदब के नाल गल करन दी कोशिश की है तो सानू यही भरोसा दिता गया, इग्नोर किया गया, और जे दिता गया भरोसा दिता गया कि कोई गल नहीं जी हो जूगा हल, छेती हल हो जूगा। कदों हल होगा? 8 महीने हो गए ने, 500-600 किसान है जेड़ा वो शहीद हो गया, जिन्हां दे घरां दे गए ने, उन्हां नूं पता है कि उन्हां ते की बीतदी है। और सिर्फ किसानी नाल नहीं है संबंधित, ये साडे पूरे पंजाब दे अर्थव्यवस्था नाल संबंधित है, हर वर्ग के लोगों नाल संबंधित है। बड़ा मन खफा है, बड़ी कोशिश की पर कोई निपटारा नहीं हो सकिया, मन नूं होर नहीं मार सके। असी अपने भाईचारे तो, असी अपने किसानी तो मुनकर नहीं हो सकते, असी उन्हां दे दुख च शामिल हाँ। ये पार्टी साड़ी श्रोमणी अकाली दल पंजाब दी पार्टी है, पंजाब दी सोच रखती है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, हर एक नूं इज्जत मान दिती जाती है। सो हल्के दे लोगों ने भी बहुत वारी कहा भैन जी जिहड़ी पार्टी च सुनवाई नहीं, जिहड़ी गल ही नहीं सुनती उन्हूं छड्डो, आपां अपनी इस पार्टी च आईए, क्योंकि 10 साल इन्हां दे नाल रल के काम कीता। पहलां असीं समझौते च सी, हुण असीं डायरैक्ट आ गए हैं। सो परमात्मा करे, उम्मीद करिए कि यह जिहड़ा वक्त आया, ये बुरा टाइम आया, ये सच्चे पातशाह हल कर दे, एकजुट हो के आपां लड़िए, आपां अपने पंजाब नूं बचाईए, पंजाबीयत नूं बचाईए। और यही एक पार्टी है, अज मेरे हल्के दे लोग मैनू वधाइयां दे फोन कर रहे हैं, बहुत खुश ने कि भैन जी बहुत अच्छा डिसीजन है, साडा दिल तो पहले ही रलदा सी, अज डायरैक्टली असी इस पार्टी च आ गए हैं। मैनू खुशी है तुहाडा भी सारिआं दा, और अपनी सीनियर लीडरशिप का, सुखबीर जी का, मजीठिया जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हाँ ये गवां दे काले बदल है जिहड़े ये छेती छट जाणगे, खुशियां दी जिहड़ा चानण है, चमक है, वो साडे च आएगी, और साडे वीर जिहड़े उत्थे बैठे टिकरी सिंघू ते बैठे ने वो खुशी खुशी अपने घरां नूं मुड़नगे। बस इन्ना ही कहिंदी, तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक मिनट वास्ते बेनती करांगा मोहित गुप्ता जी नूं, उन्हां तों बाद कमल चेटली जी सिर्फ एक मिनट लैणगे, फिर प्रधान साहब संबोधन करनगे। मोहित गुप्ता जी मंच ते विराजमान, पंजाबियों के दिलों की धड़कन, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, सरदार विक्रमजीत सिंह जी मजीठिया, और साडे टीम के मुखी साबका कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भरा श्री अनिल जोशी जी, और इत्थे हाजिर होए सारे मेरे भरावो, खासकर जो बठिंडे तो व्यापारी आए ने, शहर निवासी आए ने, मेरिया भैन आई ने, गज के फतेह बुलाओ। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम। जो अज असी श्रोमणी अकाली दल च शामिल होने का फैसला किया, वो जोशी साहब ने बड़े विस्तार नाल दस्या। मैं तो इको गल कहनी है कि जो असी 2 महीने पहला नारा दिता सी कि पंजाबी हाँ पंजाबी दी गल करांगे, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने उस नारे नूं मंदे होए यही नारा कि गल पंजाब दी दा नारा दिता है, इस गल नूं रखते हुए, पंजाबियों के हितों की गल नूं रखते हुए, असी भारतीय जनता पार्टी छड़ के श्रोमणी अकाली दल च
बगैर किसी शर्त तो समर्थन देने का शामिल होने का फैसला किया है। जिस तरीके असी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखते सी उस तरीके अज तो बाद असी श्रोमणी अकाली दल का झंडा बुलंद रखने लिए जथेबंदी मजबूत करने काम करांगे, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने जो बठिंडे की नुहार बदली है, साड़ी बड़ी भैन बीबा हरसिमरत जी ने जो बठिंडे की नुहार बदली है उस नूं मुख रख के इस तरीके विकास लई असी पंजाब दे भले लई श्रोमणी अकाली दल शामिल होने का फैसला किया। जय भारत, जय पंजाब। मोहित गुप्ता जी तो बाद कमल चेटली जी नूं बेनती है कि वह सारयां दे दर्शन कर। मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे बब्बर शेर 2022 दे विच आउण वाले पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उन्हां दे नाल मेरे वीर अनिल जोशी जी ते मंच दे उत्ते विराजमान समुची श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप। कोई नहीं, हजे भुलेखे पैणगे। ते मेरे बहुत ही सत्कारयोग आए हुए नौजवान वीरों, मैं बादल साहब तुहानू अज एक गल दस देनी चाहुंदा कि असी जिन्ने बंदियां ने अज भारतीय जनता पार्टी तो छड के श्रोमणी अकाली दल नू ज्वाइन किया, साडा सारयां दा 35-37-40 साल का अरसा है कि असी उत्थे भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। कल्ले असी नहीं, साडे पिता जी सारयां दे, साडे परिवारां दी दूजी तीजी पीढ़ी है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी दे विच सेवा की। पर असी पंजाब नू देखदे होए, पंजाब दे हितां नू देखदे होए, पंजाब दे लोगां नू देखदे होए, पंजाब दे किसानां नू देखदे होए, पंजाब दी इंडस्ट्री, पंजाब दे व्यापारियां नू देखदे होए असी फैसला किया कि जे अज पंजाब दी कोई राखी कर सकता तो श्रोमणी अकाली दल कर सकता, सरदार सुखबीर सिंह बादल कर सकता। मैं थोनू एक गल कहनी चाहुंदा सारयां नू, अज मीडिया भी इत्थे बैठा है कि फैसले सरकारां तों गलत हो जांदे आ, पर जदों लोक उन्हां फैसलां दा रौला पाउंदे आ तां रिव्यू भी कीते जांदे आ। बादल साहब नू याद होणा कि जदों 2007 दे विच अपनी सरकार बनी सीगी ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਵਧਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਧੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ
ते सानू एदा एक ना एक तरीके नाल कोई रेजोल्यूशन पा के रेजोल्यूशन पूरा बैंक साहब तुसी बना दिओ मगर उस नू मुख रखदिया अज पंजाब भाईचारक सांझ ते किसानी शहादत ते काले कानून नू वापस करन वास्ते सारे पंजाबी धर्मां तो जातां तो पातां तो उत्ते उठ के पंजाब दे बॉर्डर स्टेट दे भले वास्ते ते कतर होए आ। मैं समझदा जिथे मैंशन करना जरूरी सी और अज दे दिन ही संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल साहब जिन्होंने फिर भाईचारक सांझ नू एकता नू पंजाब दे भले वास्ते बहुत वड्डी शहादत दित्ती सी अज उन्हां दी भी दिन है बरसी है। अज दे दिन ते एडा वड्डा फैसला आपां रल मिल के पंजाब दे भले वास्ते कर रहे हैं सो इहदे वास्ते जे सहमत होइए ते आई थिंक वी शुड खड़े हो जे जे सहमत हो के जे सहमत होते आपां इह मता पास करके हुण मैं जकारा छड्डण लग्गिया स्टेज ते भी सारे किसानी संघर्ष नूं समर्पित और भाईचारक सांझ नूं समर्पित एक जकारा छड्ड दईए बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं कि ओ आके तुहाडे दर्शन करन पर सारयां नूं बेनती है कि हुण प्रधान साहब दे सत्कार दे वजों सारयां ने दोवें हथ खड़े करके जकारे दा जवाब देना है ते फिर प्रधान साहब संबोधन करनगे कोई भी इहो जिहा वीर ना रहे जिहड़ा जकारे दे विच शामिल ना होवे बोले सो निहाल। गुरु प्यारी सात संगत जी फतेह अर्ज करदा हां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं स्वर्गीय संत हरचरण सिंह लौंगोवाल जी जिन्हां दी अज बरसी है जिन्होंने सारे धर्मां नूं दी एकता वास्ते भाईचारक सांझ वास्ते अपनी शहादत दिती अज मैं उन्हां नूं सारे तरफों पंजाबियों तरफों श्रद्धांजलि भेंट करदा हां। अज एक बड़ा इतिहासिक दिन है पंजाब बड़े औखे दौर चो निकलिया है 15 साल पंजाब ऐसा दौर सी कि पता नहीं लगता सी की होना है अपने नाल गवांढ पाकिस्तान उहदा इक्को एक निशाना कि पंजाब ते देश विच अमन शांति भंग करके गड़बड़ करवाउणी पर बहादुर पंजाबियों ने पाकिस्तान दा जिहड़ा नक्शा सी जिहड़ा उहनां दा इरादा सी इरादा पूरा नहीं होन दिता ते अज पंजाब दे लोकां दी जित है जिहड़ी पंजाब विच अमन शांति वापस आई है। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी दा गठजोड़ दा मैसेज की सी कि पंजाब एक ऐसा सूबा जिथे सारे धर्मां दे लोक रहिंदे है साहब प्रकाश सिंह जी बादल की सोच कि पंजाब ता तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति रहूगी ते पंजाब विच भाईचारक सांझ रहूगी। साहब प्रकाश सिंह जी बादल दे राज दे दौरान उन्हां दी सब तो अहम प्रायोरिटी निशाना आ सी
कि पंजाब विच ऐ जी कोई गल ना होए जिदे नाल भरावां भरावां विच पाड़ पए। उन्हां दे हर राज विच उन्होंने कोशिश की कि सारे धर्मां दे लोकां नूं कट्ठे करके उन्हां दी ओह भावना समझदे सी, सोचदे सी ते उहदा हल करदे सी। जदों मैं श्रोमणी अकाली दल का प्रधान बनिया, सारी पार्टी ने मैनू जिम्मेवारी दिती, मैनू साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने मैनू बुलाया ते मैनू कहन लगे श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है, पंथ की पार्टी है, पंजाब की नुमाइंदा जथेबंदी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की बहुत वड्डी जिम्मेवारी होंदी है, कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिदे नाल पंजाब ते अपना पंजाबियों का नुकसान होए। साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने मैनू कहा कुछ मर्जी करना पे, पंजाब विच भाईचारिक सांझ की तरह नहीं होनी चाहिए ते पंजाब विच किसे हालत अमर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तुसी देखिया होना जिवें जोशी जी ने भी जिक्र किया कि जो सरकार सी बादल साहब कोशिश करते सी जो किसी भी धर्म का कोई भी शुभ दिहाड़ा आता मुख्यमंत्री बादल साहब आप जाते सी मनाउन जाते सी, उन्हां विच बह के उन्हां दीआं विचारां सुन के जो भी उस धर्म के जनता की कोई ख्वाहिश होंदी सी वह पूरी करते सी। कल्ले पंजाब के मुख्यमंत्री है पूरे देश विच जिन्हां ने अपने सूबे के खजाने चो सारे धर्मां दे पवित्र स्थानां नूं बहुत खूबसूरत तरीके नाल सजाया। तुसी आप जाके देखो राम तीर्थ, मैं लगता घट तो घट 300 करोड़ रुपया ला के गुरु रविदास जी और राम तीर्थ नूं बहुत खूबसूरत बनाया भगवान वाल्मीकि जी पवित्र स्थान नूं। उवें ही करालगढ़ विच गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान वास्ते बहुत वधिया प्लैन बना के काम शुरू किया। मैनू याद है जोशी जी ते असी कट्ठे होए, असी कहा कि दुर्गियाना मंदिर अमृतसर का वधिया प्लैन बनाईए, बहुत वधिया नक्शा बनाया प्लैन बनाया, मैं लगता 200 करोड़ रुपये के तकरीबन असी पूरा अपने खजाने चो अलॉटमेंट की। मैं ते जोशी जी उदो मंत्री सी मेरे नाल, असी लगातार बेस्ट आर्किटेक्ट तो लिया तो असी देखा कि एक बहुत वधिया सेंटर उत्थे जगह बनाई जाए तो असी बड़ी तेजी काम शुरू किया। पर जो सरकार बदल जाती है तो सारा काम टुक जाता। उवें दरबार साहब का गलियारा देखो, दरबार साहब का हेरिटेज की देखो, आ की दसदा है कि सोच की है श्रोमणी अकाली दल की, सोच की है श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप की। तो साहब प्रकाश सिंह जी बादल के दसे हुए रस्ते ही चलना साड़ी जुम्मर भी है ते असी पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। आज बड़ी खुशी है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते मैं कहना चाहता मैनू भी बड़ी दिलों खुशी है, समुची लीडरशिप नू भी बड़ी खुशी है। जो मैं अपनी कोर कमेटी अपने पार्टी की जथेबंदी मैं गल की उन्होंने बड़ी खुशी आई जो मैं क्या अनिल जोशी जी तो उन्होंने समुची टीम जो जिन्हों पिछले 20-25 साल का साड़ा रिश्ता है, पर क्योंकि पार्टी अलग सी पार्टी मैं उन्होंने गल की उन्होंने कहा किवें ना किवें इन सारी टीम नू अपने विच लैके आओ। एक जिहड़ा लोकां दे विच गल बनाई गई सी कि देखो अकाली दल बीजेपी दे दो फाड़ हो गई, हुण शहर दे लोक दे मन विच इनसिक्योरिटी जिहड़े आम दूजे लोकी पाउण दी कोशिश करदे सी, अज दा जिहड़ा मैसेज है क्लियर है श्रोमणी अकाली दल साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी भाईचारिक सांझ ते पंजाब दी अमन शांति दे राह ते चल रही है। जोशी जी ना मेरा बहुत नज़दीकी संबंध, जोशी जी की आदत मेरिया वर्गिया ही है, दलेर भी पूरे है, धक्कड़ भी है,
एक इन्हां नूं डिवेलपमेंट का बड़ा शौक है। तुसी इन्हां दे हलके जाके जाओ, अमृतसर शहर जाके देखो, नक्शा बदल दिता। मैनू याद है मैं डिप्टी सीएम सी या मेरे नाम मिनिस्टर सी, असी प्लानिंग की कि गुरु की नगरी नूं सजाउणा है। असी कितने ना कितों पैसा ला के मैं लगता 1,000-1,500-2,000 करोड़ तो वध लाया होना है। सारा नक्शा बदलिया। बंदे बंदे ते निर्भर हुंदा है। उस ही कुर्सी ते अज कांग्रेस का प्रधान बैठा सी, उसी महकमे च एक इट नहीं लगी 2.5 साल जो मंत्री उस महकमे का सी। फर्क है, क्योंकि उहदे मन च सोच तरक्की नहीं, उहदी कली सोच है एवं रौला पाउणा, ड्रामे करने। अज आपां नूं फैसला करना है कि अपने पंजाबियों की कौन सी पार्टी है। इक्को एक पार्टी है जिहड़ी पंजाब च रह के पंजाबियों के हक ते लड़ाई लड़दी है। इक्को एक पार्टी है जिहड़ी वचन दिंदी है कि पंजाब की अमन शांति, पंजाब की भाईचारक सांझ रखनी साडी जन जिम्मेवारी है। साडी मेरी जान जा सकती, साडी लीडरशिप की जान जा सकती है, पर असीं पंजाब विच किते भी अमन शांति ते भाईचारक सांझ नहीं रखदे। जोशी साहब नाल जिहड़ी साडी टीम आई है, मेरा इन्हां नाल बहुत नेड़ दा संबंध है। जदों भी मैं लुधियाने जांदा, जलंधर जांदा, सारिआं नाल आपां साडे जिवें असीं जदों साडी सरकार सी कितें फर्क रख्या ही नहीं। एक परिवार वांगू 15-20 साल रहे, पर जदों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंजाब की किसानी के पिंड ते छुरा मारिया, जदों भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबियों की भावना के खिलाफ काम किया, किसानों के खिलाफ किया, असी उन्होंने कहता हूँ असी थोड़े नाल नहीं रह सकते, किसी हाल च नहीं रह सकते। 25-30 साल की जिहड़ा रिश्ता भावें सरकार के विच हिस्सा, असी एक मिनट छड़ दिता, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल असूलों नाल जुड़ी है। जे सानू लालच सरकार की होंगी तो साडी लीडरशिप ने पंजाबियों खातर 16-16, 10-10 साल जेलां नहीं कटनिया सी। ते अज मैनू बड़ी खुशी है कि अज गुरदासपुर जिले तो, अपने पठानकोट जिले तो, ते सारे पंजाब के कोने कोने तो जिहड़ी हीरे सी बीजेपी दे हीरे, असी पहले लिस्ट बनाई किहड़े किहड़े हीरे है, असी उन्हां नूं एक एक लिस्ट बना के चुनने शुरू किए। तो मैं कह सकदा बीजेपी के सारे हीरे असी लै ले है, हुण जिहड़े बाकी तो उत्थे काम घट ही रह गया, जिहड़े थोड़े जे रह गए है उन्हां तरफ भी साडी निगाह है। तो मैं लगता है साडी कोशिश होगी सारे पंजाब नूं एक झंडे थले इकट्ठे करना, पंजाबियों का कौम का झंडा श्रोमणी अकाली दल थले इकट्ठे करना, क्योंकि कल्ली पंजाबियों की इक्को एक पार्टी है। दूजियां जिहड़ियां पार्टियां इस मैदान में आ रही हैं वो सारियां दिल्ली तो हुक्म लैंदियां, जे कुछ भी करना होए जो दिल्ली कहिंदा उवें फैसला हुंदा है। जिवें जोशी जी ने कहा दिल्ली बीजेपी ने फैसला किया किसानों के पिंड छुरा मारना है, तो बीजेपी पंजाब नूं कहना पिया कि जो बीजेपी सेंटर ने कहा ठीक है। उवें आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जो कहा कि इतने थर्मल प्लांट बंद करो, किसान अपनी पराली अग लाउणी बंद करो, SYL का पानी दिल्ली चाहिए, आम आदमी पार्टी के लीडरों की हिम्मत नहीं हुई कि केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दें। उवें कांग्रेसी पंजाब के लोग कांग्रेस अज देखो इश्तिहार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजीव गांधी दे दी तारीफ से अज इश्तिहार दिता है। वही राजीव गांधी जिन्हें हजारा अपने भैन भरावों का कतल कराने वास्ते हुक्म दिते। आ सोच वो पार्टियां की है जिहड़ी दिल्ली तो हुक्म रहिंदी है, पंजाबियों की सोच वास्ते थोड़ी अपनी है। तो मैं समुची लीडरशिप जिहड़ी आई है जोशी जी ना, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल करके मैं अपने आप नूं बहुत खुशी महसूस करदा, तो पूरा विश्वास दवाउणा है कि उन्होंने पूरे मान सत्कार दिता जाऊगा, साडे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तो हुण असीं इकट्ठे हो के पंजाब दी किसानां दी, पंजाब दी किसानां दी, पंजाब दे व्यापारियों की, पंजाब दी इंडस्ट्री लई असीं लड़ाई लड़ांगे,
जेड़ी आ सरकार धोखेबाज सरकार कैप्टन लुटेरी सरकार जिन्हें पांच साल पंजाबियों के बर्बाद कर दते, असी उन्हों ला के अपनी सरकार पंजाबियों ने बनाई है। नाले जिमें बिक्रम मजीठिया जी ने किया, अज आप सारे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि जेड़ा किसानी कानून है जदों तक पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार रहेगी जे तीन काले कानून किते भी लागू नहीं होंगे असी वादा करते हैं। तो नाले जेड़े किसान अपनी जान दे चुके हैं संघर्ष में उन्होंने श्रद्धांजलि भी पेंट करते हैं तो वादा करते हैं जो सरकार बनी उन्होंने परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी भी तो उन्होंने माली सहायता भी दी जाऊगी। वो साढ़े बहादुर योधे हैं जिन्होंने अपनी पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ी। तो अज मैं अखीर विच मैं उन्होंने सारी टीम जी आन कहते हुए मैं अज दो चार अनाउंसमेंट्स करना चाहना है। एक श्री अनिल जोशी जी जो मेरे वीर है श्रोमणी अकाली दल शामिल होए है उन्होंने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट साड़ी पार्टी का नियुक्त किया जाता है। जोशी जी नू होर भी बड़िया अगले हफ्ते जिम्मेवारियां देनिया पैनिया। मैं तो 100 दिन वास्ते घरों निकल गया, आ जड़े बैठे हैं किसे नू घरे वंड नहीं देने अगले 100 दिन मैं किसे नू। अब श्रीमती सुखजीत कौर शाही जी नू साड़ी पार्टी दे वाइस प्रेसिडेंट मैं नियुक्त कर रहा। श्री मोहित गुप्ता जी नू जनरल सैकटरी अपनी पार्टी का नियुक्त कर रहे हैं। श्री कमल जैटली जी वाइस प्रेजिडेंट, श्री आर डी शर्मा जी वाइस प्रेजिडेंट, श्री राजकुमार गुप्ता जी जो सुजानपुर के है इन्हों भी वाइस प्रेजिडेंट करते हैं। श्री सुरिंदर शिंदा जी प्रधान जथेबंधक सकत्र, जेड़े साडे सरदार हरजीत सिंह भुल्लर मोहाली जी वह भी जथेबंधक सकत्र, मिंटू शर्मा जी जॉइंट सैकटरी, अमन एवरी जी से अपने स्पोक्समैन ते जॉइंट सैकटरी, श्री सुमेध शास्त्री जी वह भी जॉइंट सैकटरी, विक्रम लखी जी जॉइंट सैकटरी, श्री विक्रम एवरी जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ अकाली दल, प्रभजी रठौल जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ अकाली दल शामिल हो रहे हैं। कमल जेटली मैं कहता वाइस प्रेसिडेंट ना मेरे ना कमल जेटली तो मेरे नाल ही है। अच्छा एक मैं होर गल करना चाहना, अनिल जोशी जी नू अमृतसर नॉर्थ सीट तो असी मैच राजकुमार गुप्ता जी राजकुमार गुप्ता जी राजकुमार गुप्ता जी पठानकोट जिले तो सुजानपुर दे सीट तो असी श्रोम ते मैं एक गल कहना चाहना दोनों ही
श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार होंगे, बहुजन समाज पार्टी के लीडरशिप ना साड़ी गल हो गई है, इस करके तुसी बेचिंता ना करो। उन्हों की सहमति नाल आ दोनों श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ के उम्मीदवार तरफों अपने अनाउंस किए गए हैं, ते इस करके मैं अखीर विच आई कहना चाहना पंजाबियों, फैसला करने की घड़ी आ गई है, ऐसा कोई गलत फैसला ना करो जिदे करके 5 साल बर्बाद हो जान। पिछले 5 साल पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बर्बाद कर दिते, 10 साल सरदार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर सी, तुसी देखिया पंजाब ने किवें तरक्की की। इस करके वापस अपनी पंजाबियों की कल्ली एक पंजाबी पार्टी गठजोड़ लेके आओ, असी विश्वास दौने हैं पंजाब विच तरक्की भी होगी, अमन शांति भी रहेगी, तो भाईचारे एक सांझ भी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम, सलाम वालेकम, हैलेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद है।